ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी दोस्तों इनका लाभ आप लोग को। मैं पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं अभी जो वीडियो कुछ दिन से बना रही हूँ, कल से, उसमें आप लोग को बाहर की साउंड आएंगी ही आएंगी, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी, क्योंकि नेट के एग्जाम में आप लोग को बस 10 दिन बच गया है और मैं घर पर हूँ नहीं, मैं बाहर हूँ, बट फिर भी किसी तरह से आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मेरे कुछ दोस्तों का डिमांड था कि मैं जो भी वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं उनके मैं एक लिस्ट तैयार कर दूँ। खैर, उनके डिमांड तो बहुत ज़्यादा थे बट मैं उतना पूरा नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू लैकिंग टू माय होम, बट जहाँ तक मेरे से हो पा रहा है मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। मैं आज आपको इसमें सारे ही न्यू क्लासिज्म से लेकर पॉप आर्ट में लिखी हूँ, लेकिन पॉप आर्ट तो नहीं, लेकिन मैक्सिकन आर्ट के जितने आर्टिस्ट हैं वहाँ से लेके न्योक्लासिज्म से लेके मैक्सिकन आर्ट के आर्टिस्ट के बारे में बताऊंगी, और जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट मैं बोलूंगी सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, बट उसमें से भी कुछ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं जिसमें कि आपको नेट में आने के चांसेस 100% है। तो आइए कॉपी कलम ले लीजिए, क्योंकि वीडियो के साथ साथ मैं क्या करूँगी, जैसे कि मान लीजिए आप लोग देख रहे हैं न्योक्लासिज्म के आर्टिस्ट हैं दाबी, तो दाबी के कुछ कुछ काम है जो मेरे दिमाग में है, समझ रहे हैं। मेरे पास कोई नोटबुक वगैरह तो नहीं है क्योंकि मैं बता रही हूँ बाहर हूँ, तो जो जो काम मेरे माइंड में है अभी फ़िलहाल मैं उस आर्टिस्ट के आर्ट वर्क के बारे में भी बता दूंगी। सो आप लोग प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है उतना कि मैं इसमें सारा वीडियो उस अनुसार से डाल पाऊँ, उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगी। तो दोस्तों, आज का आप लोग का पहला है 19th century से ये स्टार्ट हुआ था न्योक्लासिज्म, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए कि न्योक्लासिज्म कब स्टार्ट हुआ था तो आप लोग का हो जाएगा 19th century। और न्योक्लासिज्म के बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है दाबी, इनका पूरा नाम है जीन लुई दाबी, ठीक है, डी उच्चारण नहीं होगा, जीन लुई दाबी पूरा आप लोग का इसमें आर्टिस्ट का नाम है। और इन्होंने पेंटिंग तो बहुत सारी की है बट दो पेंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट डाउन कीजिए। पहला है दाबी का ओथ ऑफ हरत्ती, ठीक है, OATHOFHORATI, ओथ ऑफ हरत्ती। और दूसरा है डेथ ऑफ मराठ, DEATH, डेथ OFOF MARAT, डेथ ऑफ मराठ। ईयर भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे। दूसरे आर्टिस्ट हैं न्यू क्लासिज्म के एडवर्ड हुपर, ADVERD एडवर्ड, HOOPER, एडवर्ड हुपर, ठीक है। तो न्यू क्लासिज्म के ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, इनके काम जरूर देख के जाएं। दूसरा है न्यू क्लासिज्म के बाद रोमांटिसिज्म का स्टार्ट हुआ था। रोमांटिसिज्म आपका 1790 से 1850 तक चला था, ठीक है। और रोमांटिसिज्म के आर्टिस्ट है काल, गोया, ब्लेक, टर्नर, ब्लेचेन, डेलाक्रोएक्स एंड जेरिकॉल्ट। दोस्तों, इसमें से मैं बोलूँगी कि आप ब्लेचेन और काल को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, गोया, ब्लैक, टर्नर, डेलाक्रोएक्स, जेरिकॉल्ट, ये पांचों ही आर्टिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। गोया का एक काम था डी वर्ल्ड ऑफ वार ऐसे करके कुछ, मुझे भी याद नहीं है, बट ऐसे कुछ वॉर पे था कि लोग बंदूक ताने हुए खड़े थे, ठीक है। तो ये उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टवर्क है, इसे आप ज़रूर देख लें। विलियम ब्लैक का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्ट है, उसमें क्या है कि एक आदमी जो है बच्चे को खा रहे हैं, ठीक है, उसमें दिखाया इस तरह से। मुझे पेंटिंग के नाम अभी याद नहीं है एट दी मोमेंट, सो प्लीज़ आप लोग इनके सारे ही आर्टवर्क देख के जाएँ, टर्नर, डेलाक्रोएक्स, गेरिकॉल्ट। नेक्स्ट है रियलिज्म। रियलिज्म जो है 1850 से 1900 तक चला, और रियलिज्म के सारे ही आर्टिस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ऑल आर्टिस्ट आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दी रियलिज्म। मैं इसमें से कुछ भी कटौती करना नहीं चाहूँगी, चाहे वो मीले हो, कुर्बे हो, डोमियर हो, और डोमियर जो है लिथोग्राफी के, ग्राफिक्स के आर्टिस्ट है। बहुत सारे मेरे दोस्त ये भी बोले कि मैं अलग से उनको वीडियो बना दूँ कि ग्राफिक्स के कौन कौन आर्टिस्ट है, बट ड्यू टू लैकिंग ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू डू राइट नाउ, बट टिल दी
आप लोग का जब तक एग्ज़ाम हो रहा है आप बस इसी वीडियो को फॉलो कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम से आई मीन कि 6 दिसंबर के बाद से मैं पूरी फ्री हूँ, उस समय मैं आपको अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करूँगी। आई नो कि 6 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू आउट राइट नाउ, बट जो मैं बोल रही हूँ अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, ठीक है। तो रियलिज्म के आर्टिस्ट हो गए मीले कुर्बे डोमियर, मीले जीन, मीले का पूरा नाम है जीन फ्रांसिस के मीले। आपको मालूम होगा कि इन्होंने लैंडस्केप को लेके, ठीक है, इन्होंने लैंडस्केप को लेके काम किए हैं। और कुर्बे के बहुत सारे पेंटिंग है, जैसे कि स्टोन ब्रेकर है, दी बाथर्स है, ठीक है, स्टोन ब्रेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है किनका, आपका कुर्बे का, स्टोन ब्रेकर याद रखिएगा। कुछ बहुत सारे लोग हैं लेबर जो कि पत्थर को फोड़ते हुए दिखाया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, ज़रूर इसे चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट है इम्प्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म 1870 से 1900 तक चला, और इसके भी इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं माने, मोने, एडगर देगा, मोरिसो और टी लॉत्रेक जो हैं, ये भी ग्राफिक्स से रिलेटेड है, लिथोग्राफी में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। रेनॉर्ड, सिसली, पिसारो, रोदा, रोदा जो कि स्कल्प्टर थे, मैरी कासाद, ये सारे ही आर्टिस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। एडवर्ड माने, क्लॉड मोने, एडवर्ड देगा, बोरिथो मोरिसोत, ये सॉरी कैरी क्या था हाँ मैरी कैसेट, ये सारे ही आर्टिस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके आर्ट वर्क ज़रूर देख लें, इम्पॉर्टेंट आर्ट वर्क ज़रूर देख लें, नेट में आप डालेंगे तो सामने जो आर्ट वर्क्स आएंगे वही इम्पॉर्टेंट आर्ट वर्क होते हैं। नेक्स्ट है नियो इम्प्रेशनिज्म, नियो इम्प्रेशनिज्म आपका 1885 से 1900 तक चला, और इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं सीरत, पॉल सेजा, ये दोनों ही नियो इम्प्रेशनिज्म के आर्टिस्ट हैं, आप लोग इसे ज़रूर देख लें। पॉल सेजा तो ताहितियन के लिए फेमस हैं, आप लोग को मालूम ही होगा, है ना, सॉरी नॉट पॉल सेजा, पॉल गोगा ताहितियन के लिए फेमस है, पॉल सेजा ने स्टिल लाइफ बहुत सारे किए हैं, वो देख लीजिएगा। सीरा का काम ज़रूर देख लीजिएगा, ला संडे आफ्टरनून बोल के एक काम है जो कि सीरा ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम पोस्ट इम्प्रेशनिज्म की तरह, मतलब नियो इम्प्रेशनिज्म और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में इतना ही अंतर है कि इम्प्रेशनिज्म के बीच दो आर्टिस्ट आए थे, सीरा और पॉल सेजा, ठीक है, इन दोनों को पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में भी रख सकते हैं बट न्यू इम्प्रेशनिज्म में रखा गया है। अगर आप लोगों को न्यू इम्प्रेशनिज्म इम्प्रेशनिज्म ऑप्शन में ना रहे तो पॉल सेजा को आप पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में ही ये कीजिएगा, कंसीडर कीजिएगा। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आपका 1818 से लेके 1905 तक चला, और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं पॉल गोगा जो कि ताहितियन से इन्फ्लुएंस है, आप लोग को मालूम ही होगा। पॉल सेजा जैसा कि मैं बताई थी कि न्यू इम्प्रेशनिज्म में भी काम किए, और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म से भी इन्होंने एक होता है ना फेज चलता है कि कोई आर्टिस्ट पहले भी काम कर रहे हैं और बाद में भी काम किए तो उसको उसमें भी ऐड किया जाता है। वैन गॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट, सनफ्लावर, ऐसे बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं, स्टेडी नाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टवर्क देख लीजिएगा। नाभी, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के बाद आपका नाभी आया था, और नाभी 1819 से 1900 तक चला। इसके इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है पियरे बोनार्ड, एडवर्ड भुइलार्ड। दोस्तों अगर आप नाभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट कभी कभी पूछ देते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट कभी कभी पूछ देते हैं, दैट मीन्स कि नॉट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है सिम्बॉलिज्म, सिम्बॉलिज्म 1885 से 1910 तक चला, जिसके इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं गुस्तव मोरियो, पुविस्ते चैवनर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आप लोग सिम्बॉलिज्म के आर्टिस्ट गुस्तव मोरियो को ज़रूर चेकआउट करके जाएं। उसके बाद आपका आर्ट नोवो आया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर्ट नोवो को थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि आर्टिस्ट तो नहीं पूछते हैं बट आर्ट नोवे का जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो आर्ट नोवे जो है 1819 से 1914 तक चला, और इसके इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं अल्फोंस मूसा, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं अल्फोंस मूसा, अर्नोल्ड बॉकलिन, एम होल्डर, ठीक है। उसके बाद आपका था स्कैंडिनेवियन आर्ट, जिसमें कि एडवर्ड मुंग आते हैं, और एडवर्ड मुंग पता ही होगा कितने इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं, एडवर्ड मुंग ने भी वुडकट में लिथोग्राफी में, मतलब कि एडवर्ड मुंग को भी आप ग्राफिक्स आर्टिस्ट मान सकते हैं, और इन्होंने कितने इम्पोर्टेंट काम किए हैं आपको तो मालूम होगा ही। एडवर्ड मुंग के
बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ट वर्क है द स्क्रीम. क्या नाम है? द स्क्रीम. नेक्स्ट है आप लोग का 19th सेंचुरी यहाँ ख़त्म होता है और यहाँ से हम 20th सेंचुरी की तरफ मूव करते हैं. तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ? फॉबिज्म स्टार्ट हुआ. ठीक है. और फॉबिज्म के आर्टिस्ट कौन है? हेनरी मातिस है, दूफी है, रोनाल्ट है, डेरेन है और ड्रेयन है. ये सारे ही जितने मैं नाम ली हूँ, खास करके मातिस, डेरेन, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं फॉबिज्म के. ज़रूर देख के जाएं. फॉबिज्म में हेनरी मातिस के एक काम है जो आपको भी मैं बता देती हूँ, सीरीज में है. बैक मतलब पीठ की बात कर रही हूँ. ठीक है. बैक वन से लेके बैक फोर तक, मतलब बैक वन, बैक टू, बैक थ्री, बैक फोर, ये चारों ही काम हेनरी मातिस का है. अगर नहीं देखे हैं तो देख लें. हेनरी मातिस ने डांसर बोल के एक पेंटिंग किए हैं, वो देख लें, जिसमें कि 6 लोग डांस कर रहे हैं, वो पेंटिंग देख लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें. वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें. कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अपने एग्ज़ाम की ओर सफलता प्राप्त करें. दोस्तों फॉबिज्म हो गया. क्यूबिज्म के आर्टिस्ट देख लेंगे. क्यूबिज्म के इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं आप लोग के पाब्लो पिकासो, जो कि स्पेनिश आर्टिस्ट हैं, मतलब कि इनका बॉन्ड जो है स्पेनिश में हुआ था. और इन्होंने गुएर्निका नामक एक पेंटिंग बनाई थी जो कि World War II हुआ था स्पेनिश में, और उनके बहुत सारे दोस्त इस वॉर में मारे गए थे. उन्हीं को लेके इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी गुएर्निका, जिसमें कि थीम क्या है, स्पेनिश वॉर को लेके इन्होंने बनाया था. ठीक है. पाब्लो पिकासो की बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है. इनके और भी एक इम्पॉर्टेंट काम है. पता है कि पाब्लो पिकासो ने बहुत सारे मीडियम में काम किया है, पेंटिंग किए हैं, स्कल्पचर किए हैं, फाउंड मटेरियल से काम किए हैं. ठीक है. तो एक फाउंड मटेरियल से उन्होंने काम किया था, बुल बोल के. ठीक है. बुल, उसमें इन्होंने क्या किया है, एक स्कल टाइप का, जैसा बुल का फेस होता है वैसा उन्होंने वो लगाया है, और दो जो है साइकिल के जो हैंडल होते हैं उस तरह का कोई रॉड है. ठीक है. आप एक और देख लीजिएगा, मैं ऐसे बोलूँगी तो समझ में नहीं आएगा. तो बुल है पाब्लो पिकासो का फाउंड स्कल्पचर, मतलब जो फाउंड ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनसे उन्होंने बनाया था. तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुएर्निका और साथ ही साथ बुल, इसे ज़रूर देख के जाएं. नेक्स्ट है आप लोग का जॉर्ज ब्राक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, ज़रूर देखिए. मेडजिंगर आप लोग छोड़ सकते हैं, मेडजिंगर नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, बट जुआन ग्रीस ज़रूर देखिए. जुआन ग्रीस मैं सिर्फ शॉर्ट लिखी हूँ, फुल नाम नहीं दी हूँ, इसलिए बोली हूँ पेन पेपर लेके बैठने. JUAN जुआन और GRIS जुआन ग्रीस ज़रूर देख लें. फर्नांड लेजर, FERNARD फर्नांड, LEDGER फर्नांड लेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट, ज़रूर देख लें. लॉरेंस नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, बट अगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा. मिर्जिंगर आप स्किप कर सकते हैं, बट लॉरेंस को थोड़ा सा देख लें. उसके बाद आप लोग का फ्यूचरिज्म स्टार्ट हो गया. क्यूबिज्म ख़त्म होने के बाद फ्यूचरिज्म स्टार्ट हुआ. और कि हम इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट देख लेंगे, बाला, कारा, रुसोलो, सेवेरिनी, बोचियोनो. ठीक है. ये सब उनके इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट थे, बट इसमें से मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कारा लग रहा है और बोचियोनी लग रहा है. बोचियोनी को ज़रूर देख के जाएं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट है फ्यूचरिज्म में. और NTA नेट के लेवल पे 3 से 4 बार बोचियोनी से क्वेश्चंस आए हैं, या तो उनके काम कहाँ हैं, कौन से म्यूजियम में रखा हुआ है, या उनके काम का नाम क्या है, इस तरह से बोचियोनी से क्वेश्चंस आए हैं, तो ज़रूर देख के जाएं. उसके बाद अर्ली ब्रिटिश मॉडर्निज्म आ जाता है, जिसमें सीकर्ट, जीनर, जिलमेन, गोड़े, ऑर्फिज्म, ये सब है. ये सब छोड़ भी देंगे तो चलेगा, आप बस फॉबिज्म, क्यूबिज्म, फ्यूचरिज्म के बाद आप कंस्ट्रक्टिविज्म में स्किप कीजिए. ठीक है. कंस्ट्रक्टिविज्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है तातलिन, पूरा नाम है वादलिन टाटलिन. उसके बाद है पेसनर, गाबो, नॉम गाबो. ठीक है. पूरा नाम होगा नॉम गाबो, डेडचेंको और लिचिजी. ठीक है. तो इसमें से आपका तातलिन, गाबो, डेडचेंको और लिचिजी जो है, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. तीन आर्टिस्ट तातलिन, गाबो और डेडचेंको, ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं. मैचिंग में बहुत बार तातलिन से और गाबो को लेके दिए हैं कि गाबो कौन से इजम से ये करते हैं. ठीक है. मान लीजिए कि कंस्ट्रक्टिविज्म दे दिए मैचिंग में और इस तरफ आपको गाबो दे दिए, अब आपको पता रहेगा कि गाबो के आर्टिस्ट कौन से इजम के, तभी तो आप मैच करेंगे ना. तो
इन दिनों के आर्टवर्क भी देख लें, इम्पॉर्टेंट आर्टवर्क, उसके बाद आपका दादा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म के बाद दादा आएगा और दादा के बाद सरियलिज्म आएगा। तो दादा के इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट है मार्सल दुसांप, मालूम होगा कि फाउंटेन बोल के इन्होंने एक स्कल्पचर फाउंड ऑब्जेक्ट लेके इन्होंने बनाया था। और कभी कभी पूछ दिया जाता है कि वो जो उन्होंने फाउंटेन बनाए थे वो फाउंटेन में सिग्नेचर किसका है, तो फाउंटेन में सिग्नेचर आर मट का है। मुझे भी डेट नहीं याद है, आई थिंक 1963 या 1991 उसमें डेट मेंशन है। आप प्लीज़ उस डेट को देख लें कि आर मट ने साइन जो किया है उसका डेट किया है, ये सब भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दुसांप के इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है, फाउंटेन, और एक काम है उनका साइकिल बोल के बाइसाइकिल, उसमें उन्होंने दो व्हील लगाए हैं, बड़े बड़े दो व्हील, और वो भी फाउंड ऑब्जेक्ट से उन्होंने बनाए हैं। तो इनके काम को आप ज़रूर देख के जाए। मानरे है, मानरे को भी देख लें। पिकाबिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, स्विट्जर भी इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं दादा के, सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं किसी को भी स्किप करने नहीं बोलूँगी, आप देख के जाएँ। उसके बाद है सरियलिज्म के आर्टिस्ट है, मालूम ही है, मोछ वाले, साल्वादोर दाली, ठीक है, साल्वादोर दाली, जिनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। और इन्होंने कैसा काम किया था, सरियलिज्म मतलब समझ ही रहे हैं, अति यथार्थवाद टाइप का काम किए थे, ठीक है। और इनके इम्पॉर्टेंट काम है आपका द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, जिसमें कि मेल्टिंग वॉच वगैरह दिखाया गया है ना, तो द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी डाली का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और भी एक काम है जिसमें हाथी इन्होंने दिखाया है, मुझे नाम नहीं याद है पेंटिंग का, बट पेंटिंग याद है कि हाथी के जो लेग है बहुत पतले पतले और हाथी को बहुत टॉप में दिखाया गया, समझ रहे हैं, सरियलिज्म में जैसे उनका जो उनका स्टाइल था उसी स्टाइल में उन्होंने काम किया है, तो ज़रूर चेक कर ले। मैसन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेलवॉक्स को ज़रूर देख के जाएँ। मीरो है, जॉन मीरो को ज़रूर देखें, लाम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और मार्टिन्स भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सरियलिज्म में तीन आर्टिस्ट ज़रूर देख के जाएं, डाली को देख लें, डेलवक्स को देख लें और मीरो को देख लें। उसके बाद आपका आ जाता है मैक्सिकन आर्ट। मैं जितने भी आप लोग को ये पूरे तो नोट्स अभी दूंगी, एंड में नोट्स दे दूंगी, ठीक है। तो सारे ही जो हैं क्रोनोलॉजी में हैं, जैसे कि अगर आप लोग को क्रोनोलॉजी में ऐसे पूछ दे कि नाभी दे दे, क्यूबिज्म दे दे, मैक्सिकन आर्ट दे दे और न्यू क्लासिज्म दे दे, और बोले कि चारों को क्रोनोलॉजी में सजाना है, तो आप ये मेरे नोट्स को देख लीजिए, आप आराम से क्रोनोलॉजी में सजा देंगे। या फिर क्यूबिज्म के चार आर्टिस्ट दे दें कि पिकासो हैं, लेजर हैं, ग्रीस है, ब्राक है, तो आप क्या कीजिए, ये सारे आर्टिस्ट के डेट लिख लें, मैं तो नहीं लिखी हूँ डेट, आप डेट लिख लें और उसे क्रोनोलॉजी में सजा लें, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। आइए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम मैक्सिकन आर्ट की बात कर रहे थे, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैक्सिकन आर्ट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं फ्रीदा कालो। फ्रीदा कालो मालूम ही होगा, फीमेल आर्टिस्ट हैं, और कितने इन्होंने काम किए हैं, ये भी अमृता सेडगिल की तरह बहुत ही नामी जानी आर्टिस्ट हैं, तो ज़रूर इनको पढ़ के जाएं। दूसरा है तोमायो, तीसरा है रिवेरा, चौथा है ओरिजो। दोस्तों तोमायो और ओरिजो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट रिवेरा को ज़रूर देख के जाएं। फ्रीदा कालो को तो अच्छे से पढ़ लें कि फ्रीदा कालो का पूरा जीवनी पढ़ लें, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कितने काम की, ठीक है। एक बार ऐसा भी पूछा गया था नेट में कि फ्रीदा कालो ने एक पोर्ट्रेट बनाई है जिसके उस पोर्ट्रेट का नाम है टू फ्रीदास, तो अभी तो मुझे याद नहीं है कि उस पोर्ट्रेट का नाम टू फ्रीदास था या नहीं, तो ये सब आप लोग चेकआउट कर लें दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग को अब मैं कुछ अपने दिमाग से बता रही हूँ, दिमाग से कहने का मतलब जो मेरे माइंड में है, ठीक है, जो मैं इसमें ऐड नहीं की हूँ। देखिए मिनिमलिज्म आर्ट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं कश्मीरी मालेविच, KASMIRI, कश्मीरी मालेविच, MALEVICH। बहुत बार मैचिंग में क्वेश्चन आया है कि कश्मीरी मालेविच दे देंगे और एक साइड में आप लोग को मिनिमलिज्म दे देंगे, तो मिनिमलिज्म की आर्टिस्ट हैं कश्मीरी मालेविच, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, मुझे अभी याद नहीं है, वो बुक को आप इनके बुक देख लें कि इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है। कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाइए, कश्मीरी मालेविच इंटर कीजिए और आप लोग सब कुछ उनके इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाएंगे, आप उसे देख के जाइए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं
पॉप आर्ट के, ठीक है, ऑप आर्ट पहले आएगा, ऑप के बाद पॉप आएगा, बट अभी ऑप के बारे में मुझे ज़्यादा याद नहीं है इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, आप लोग खुद ही ऑप आर्ट देख ले। और पॉप आर्ट में आप लोगों को मालूम है एंडी वॉरल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है। एंडी वॉरल के काम है कैंपबेल सूप, जो कि उन्होंने बनाए हैं, एक सूप तो मालूम ही होगा सूप क्या होता है उनको, लेकिन उन्होंने सीरीज बनाई थी तो ये उनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्ट वर्क है कैंपबेल सूप, तो जरूर आप चेक करें इसे। दूसरा है उसके बाद आपके इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट है लिचेनस्टाइन, भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं पॉप आर्ट के, आप लोग देख लें। और भी एक आर्टिस्ट हैं जैनसन कुछ करके, मुझे नाम नहीं याद है, तो प्लीज़ आप पॉप आर्ट सर्च कर लें गूगल पे, या अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल है तो आप वो बुक से ज़रूर देख लें। और आप एग्ज़ाम देने आराम से जाएं बिना कोई परेशानी की, घबराइएगा मत नहीं, घबराइएगा नहीं एग्ज़ाम में। सबसे पहले तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद अपने माइंड को शांत कीजिएगा, और क्वेश्चन देखने के बाद ये मत सोचिएगा कि मुझे ये नहीं आता, आप ये सोचिएगा कि इतने क्वेश्चन तो मुझे आते हैं। अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन ही रहते हैं, अगर आपको उसमें से 30 भी नहीं आते हैं तो आप मत घबराइएगा, 40 भी नहीं आते हैं तो मत घबराइएगा, क्योंकि आपको 60 क्वेश्चन आते हैं। ये खुशी की बात है कि उस 100 में आपको 60 क्वेश्चन आते हैं, और जो 40 नहीं आते हैं उसे आप तुक्का मारिएगा। और तुक्का कैसे मारिएगा मैं बताती हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसे काम है, मान लीजिए कि चाइना से कुछ पूछ दिया है, तो अगर चाइना से कोई आर्टिस्ट पूछा है तो देखिए कि चाइना के लोगों का नाम कैसा होता है, चिंग चिंग पी इस तरह का नाम होता है ना, तो उस नाम से रिलेट कीजिए कि ये नाम चाइना का ही हो सकता है। अगर जापान से पूछ ले तो जापानीज आर्टिस्ट को भी उनके नाम से डिनोट कीजिए कि जापान में कैसे कैसे नाम होते हैं, और आप आराम से तुक्का मार सकते हैं। दोस्तों साथ में एक बात और ध्यान रखिए तुक्का मारने में, कि अगर आपको दो में कन्फ्यूजन है, अगर दो में कन्फ्यूजन है, क्योंकि चार में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम दो में से ही कन्फ्यूज होते हैं कि ये होगा ना ये होगा, तो उसमें भी आप क्या कीजिए, आप अपने आप को श्योर कीजिए कि मैं यही लगाऊंगी तो यही लगाऊंगी। अगर मान लीजिए कि अगर एंडी वॉरहल ही है और लिचेनस्टाइन ही है, इनके कोई काम पूछ दिए हैं और आपको नाम नहीं याद है, तो अगर आपका दिल बोल रहा है, आप दिल की सुनिएगा उस समय, दिमाग की नहीं, दिल की, अगर एक बार पहला बार आपके दिमाग में आ जाए कि इसका आंसर रॉय लिचेनस्टाइन होगा, तो आप रॉय लिचेनस्टाइन ही डालिएगा, गलती से करके भी एंटी वॉरहल मत दीजिएगा। जो आपका दिमाग दिल पहली बार बोले उसी आंसर को दीजिएगा, और उस आंसर को कभी चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बट आप लोग अपना एक्सपीरियंस देखिएगा कि आप एग्ज़ाम जब देते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस गलती होते हैं तुक्का के लेवल पे, कि आपको लगता है ये होगा कि नहीं ये होगा, तो आप उसमें कैसे मिस्टेक करते हैं। और अपने उस तुक्का को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, उपयोग में लाइए अपने एग्ज़ाम में, और वो 60 क्वेश्चंस जो आपको आते थे और जो 40 नहीं आते थे, उस 40 में से मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन तो आप ज़रूर सही करेंगे, और आप बहुत ही अगर स्मार्ट हैं तो 20 क्वेश्चंस भी सही कर सकते हो। और अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपको JRF या परसेंटाइल लाने में कोई नहीं रोक सकता है। फिर भी अगर आप 80 नहीं ला पाते हैं, अगर आप 60-65 भी ले आते हैं और फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चंस भी सही कर लेते हैं, तो आपका JRF निकल जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। अगर आप जनरल हैं तो भी निकल जाएगा, थोड़ा सा रिस्की है जनरल वालों के लिए, बट अदर कास्ट के लिए तो ईजिली निकल जाएगा। और अगर आप जनरल के हैं तो 65 क्वेश्चन लाइए सेकेंड पेपर में, 65 क्वेश्चन सही कीजिए, और सेकेंड पेपर में 35 क्वेश्चन सही कीजिए, आपका JRF निकलेगा ही निकलेगा। दोस्तों ज़्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगी, बस यही कहना चाहूँगी कि जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट डाली हूँ उसे अच्छे से देख के जाएं। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर से हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। कोशिश करूँगी वीडियो डालने का, हो सकता है कि मैं ना डाल पाऊँ वीडियो, क्योंकि जैसा मैं बता रही हूँ कि बाहर हूँ, बहुत दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में, शूट करने में, अगल बगल के आवाज़ आते हैं, वीडियो भी अच्छी नहीं बन पाती है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस।